हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी एक नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप UFI, पेंडोरा बॉक्स और इजी जटैग, मीपी टेस्टर, काफ़ी सारे बॉक्सेस यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह के। ये आपको सॉफ्टवेयर और एमएनसी का जो ऑनलाइन क्लास है आपको फर्स्ट में से है। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास जुड़ सकते हैं और अपना एक अच्छे लेवल पे अगर सॉफ्टवेयर और एमएनसी का काम करना चाहते हैं, एक प्रो लेवल पे, चिप लेवल पे, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग और जितना भी काम आप UFI, इजी अटैक और UFI से कर सकते हैं सारा चीज़ आपको सिखाएंगे। मीपी टेस्टर हो या जो भी हो, सारे बॉक्सेस है। तो आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप करके, कॉल करके डिटेल ले लीजिए। ओनली 6999 फीस है ऑनलाइन कोर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक मीडियाटेक 5G हैंडसेट का एक डायग्राम ओपन किया हूँ। इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक देने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहता हूँ हमारे YouTube की फैमिली के लिए, Facebook की फैमिली के लिए, जितने भी मेरे WhatsApp के में से जुड़ के रहते हैं, सारे फोन फिक हैदराबाद के जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ बताता हूँ। ऐसे ही आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। कभी कभार आप लोग कोई IC पे काम करते हैं, अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि एक IC के अंदर क्या क्या उसके अंदर सेक्शंस को रखा गया है, तो ये एक मीडियाटेक का अगर आप कोई भी एक डायग्राम ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम मिलेगा। ब्लॉक डायग्राम में आपको एक ओवरव्यू बता दिया जाता है कि IC के अंदर क्या क्या सेक्शन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे MT6873, ये एक 5G हैंडसेट का CPU है। अगर 4G हैंडसेट का होता तो यहाँ पे आपको 6-7 सीरीज चलती। ऐसे ही फ्रेंड, 3G हैंडसेट का होता तो 6-5 और 2G हैंडसेट का होता तो 6-2 की सीरीज चलती है। अभी आपको 6-8 की सीरीज चल रही है, ये 5G हैंडसेट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पावर IC यहाँ पे लग के है, 3 पावर यहाँ पे है। तो इसमें कौन से पावर का क्या काम है, क्या कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ के है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे MT6359 का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड में कहाँ लग के है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MT6359 एक पावर IC है जिसके पास आपको क्रिस्टल मिलेगा जो कि 26 MHz का होगा। 26 MHz MTK में यूज होता है, 19 MHz क्वालकॉम में यूज होता है और 38.4 MHz क्वालकॉम में 5G हैंडसेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाइनॉक्स के साथ भी, अगर सैमसंग के हैंडसेट्स में भी अगर आप देखोगे जिसमें जाइनॉक्स CPU आता है, उसमें भी आपको 26 MHz की फ्रिक्वेंसी बनाने वाला क्रिस्टल मिलता है। तो क्रिस्टल की जो सप्लाई बनती है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, RFIC के लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारा ट्रांस रिसीवर होता है, जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का काम करता है, ये हमारा उसके लिए इनको 26 MHz की फ्रिक्वेंसी यहां से उसके लिए जाती है। यहां से आप देख सकते हैं उसके IC यहां पे है जो कि MT6190, इसका एक RFIC है जहां पे आपको 26 MHz की यहां पे एक फ्रिक्वेंसी यहां पे जाती है, जिसको हम क्रिस्टल की सप्लाई बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, बेस बैंड के लिए 26 MHz पावर IC से CPU के लिए जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद WBG एक 26 MHz व्हाइट, ब्लू, ग्रीन उसके लिए भी आपको जाएगा। और एक NFC जो नेटवर्क सेक्शन में एक IC होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो 26 MHz का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, पावर IC के अंदर जैसे आप जानते हैं एक RTC भी होता है, रियल टाइम क्लॉक, और हम RTC की जो सप्लाई हम चेक करते हैं या फिर हमारा स्लीप क्लॉक की सप्लाई चेक करते हैं या बेस बैंड के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BB 32 kHz का भी एक फ्रिक्वेंसी CPU के लिए जाता है, वो भी पावर IC से ही जाता है। तो ये पूरा DC 100 का एक सेक्शन है। इसके अलावा फ्रेंड, इस पावर IC में MT6359 में अगर आप देखोगे तो यहां पर LDO सेक्शन भी है, जिसको हम लो ड्रॉपआउट बोलते हैं या लीनियर सप्लाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इससे LDO सप्लाई भी है जो आउट होती है। इसके अलावा RTC की सप्लाई, रियल टाइम क्लॉक जो कि हमारी क्लॉक की सप्लाई बनाती है। इसके अलावा वाइब्रेटर के लिए सप्लाई भी यहाँ पे इसी से जनरेट होती है, जो वाइब्रेटर के लिए, जो मोटर के लिए हमारा सप्लाई जनरेट करता है वो भी पावर IC करता है। और ऑन ऑफ की भी सप्लाई जो होती है वो पावर IC से ही होती है। इसके अलावा इस पावर IC में बक सेक्शन दिया गया है। बक सेक्शन, कोर सेक्शन जो APC की सप्लाई होती है, जो CPU के लिए होती है, वो भी इसी के अंदर एक सेक्शन होता है जो कि पावर टू CPU कनेक्टेड होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडियो का एक कोडेक IC जो होती है वो पावर IC के अंदर ही होती है। MediaTek में अगर आप देखोगे तो पावर के अंदर ही ऑडियो IC होती है, और अगर Qualcomm में अगर आप देखोगे तो WCD वायरलेस कोडेक के नाम से एक अलग आउटसाइड में आपको IC मिल सकती है, अदरवाइज Qualcomm में भी पावर के अंदर ही ज्यादातर देखने मिलेगा ऑडियो IC। ऑडियो में अगर आप देखोगे हेडफोन, माइक, रिसीवर
और आपके सेकेंडरी माइक सारी चीज इसके साथ ही जुड़ के होती है। जैसे आप देख सकते हैं जितना भी ऑडियो सेक्शन होता है, रिंगर का सेक्शन हो गया तो रिंगर भी आपको ऑडियो के साथ कनेक्टेड होता है, रिसीवर हो गया या स्पीकर हो गया या प्राइमरी माइक हो गया, सेकेंडरी माइक हो गया या हेडफोन की सप्लाई हो गई, सारी ऑडियो एसी के साथ कनेक्ट रहती है। और यहाँ पे देखोगे ऑडियो एसी का जो आईएफ सेक्शन है वो पावर एसी के अंदर भी होता है। इसमें एसपीआई लॉजिक का यूज किया गया है और ऑडियो के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आई टू सी सप्लाई वगैरह भी तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है। और यहाँ पे आप देखोगे स्पीकर ड्राइवर, जिसको हम रिंगर आईसी भी बोलते हैं या फिर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं, उसकी भी अगर आप देखोगे कनेक्शन सीपीयू के साथ जुड़ के है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें रिंगर आईसी नॉर्मल ना यूज करके इसमें यूज करते हैं स्मार्ट पीए। स्मार्ट पीए क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम लाइव क्लास में बताते हैं। बहुत सारी चीजें, ये जो फ्री की नॉलेज है फ्रेंड, इसमें आप सारा का कुछ सीख तो नहीं सकते बट बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। जितना भी डिटेल में हम लाइव क्लास में बताते हैं कि स्मार्ट पीए क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट पीए I2S, इसको हम इंटर इंटीग्रेटेड साउंड सिग्नल बोलते हैं, I2S का सप्लाई, जो कि हमारा स्पीकर ड्राइवर आईसी के साथ, जिसको हम ऑडियो एम्पलीफायर भी बोलते हैं या ऑडियो का पीए भी बोलते हैं या फिर बहुत सारी नॉर्मल भाषा में रिंगर आईसी भी आप लोग इसे बोलते हैं, जहां पे गाना आपका साउंड जो होती है आपकी एकदम बूस्ट होकर निकलती है, जहां पे आवाज को बढ़ाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और आईसी है इसमें पावर आईसी, जो कि MT6360। ये जो आईसी होती है फ्रेंड्स, आपको ये चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, लाइट सेक्शन के लिए, ग्राफिक सेक्शन के लिए, और इसमें बहुत सारे सप्लाई होते हैं, यूएसबी टाइप सी हो या बैटरी की वीबैट लाइन हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूं, ये भी कुछ एलडीओ इससे भी बनाए जाते हैं जो कि लो ड्रॉप आउट होते हैं, और कुछ बक सप्लाई, सेकेंडरी पावर है ये, तो इससे भी कुछ बक सप्लाई जो सीपीयू के लिए बनती है वो भी बनाए जाते हैं। और जिसमें दो दो पावर होते हैं उसमें आपने देखा होगा बीओबी की सप्लाई होती है, बक और बूस्ट सप्लाई होती है। और ये डबल पावर और ट्रिपल पावर कैसे काम करता है हम लाइव क्लास में आपको सिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा फ्लैश के लिए भी यहाँ से इसमें ऑप्शन दिया गया है, और इसके लिए लाइट के लिए एक अलग से एक सेपरेट आईसी रखा गया। हालांकि इस आईसी के अंदर ये सारा सेक्शन नहीं है लाइट का और ग्राफिक का, हालांकि बहुत सारे ऐसे एमटी मीडियाटेक की आईसी मिलेंगे आपको जो कि सेकेंडरी पावर के अंदर ही लाइट और ग्राफिक का सेक्शन होता है। इसमें जो लाइट आईसी मिलेगी आपको 6 लेग का लाइट आईसी मिलेगा। ग्राफिक के लिए अगर देखोगे तो 15 वॉल का आईसी मिलेगा, जिससे AVDD और AVEE की सप्लाई बाहर होती है, जिसे हम VSP और VSN बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव 5 और -5 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। VBAT की सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग का सेक्शन रखा गया है, PP चार्जर, तो VBAT यहीं से बैटरी कनेक्टर के लिए जो सप्लाई जाती है बैटरी को बूस्ट करने के लिए, इसी आईसी से आपको काम करना है अगर चार्जिंग के रिलेटेड काम कर रहे हैं। अगर आप USB टाइप सी के लिए अगर देखोगे तो इसमें ही VBUS का सप्लाई आपका इनपुट होगा, और उसके बाद वो बैटरी कनेक्टर पे आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए वो सप्लाई जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखोगे एक और MT6315 करके एक और आईसी है, जिसमें भी कुछ बक सप्लाई बनाई जा रही है, और उसको यहां से दिया जाएगा VPS सप्लाई, जो VPS हमारा जनरेट करती है हमारी चार्जिंग एसी, और VPS यहां से होकर के रिंगर आईसी को भी जा रहा है, और VPS आपका यहां से पावर एसी को भी मिल रहा है, तब जाकर 1, 2, 3, 4 और हमारी 1, 5, ये 5 आईसीओ को सेम VPS सप्लाई, क्योंकि ये MediaTek चिपसेट है, तो यहाँ पे हम VS वायर्स बोलेंगे, वोल्टेज फॉर सिस्टम बोलेंगे, Qualcomm होता तो VPS बोलते हैं वोल्टेज फ्रॉम पावर, वही Samsung होता तो वोल्टेज VBAT बोलते हैं वहाँ पे वोल्टेज फ्रॉम बैटरी। तो ये एक तीनों आईसीओ में क्या क्या आपको सेक्शंस रखे गए हैं ये आप जान सकते हैं। इसी तरह से सीपीयू में भी अगर आप देखोगे यूएसबी 2.0 या 3.0, और यहाँ पे देखोगे डीबग पोर्ट, कीपैड की सप्लाई यहाँ से है, ये पेरिफेरल इंटरफेस जो कि हमारा सेंसर वगैरह के लिए सप्लाई है, INT की सप्लाई है, और SPI प्रोटोकॉल, NFC, स्मार्ट PA, और यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर सेंसर पावर, यहाँ पे CTP कंट्रोल, टच कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, LCD मॉड्यूल कंट्रोल, ग्राफिक जिसको हम बोलते हैं DSI की सप्लाई, और IF सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे एक 26 MHz की WBG के लिए एक IC यूज किया गया, MT6635। इसके अलावा SIM 2, SIM 1 दो सिम यूज कर सकते हैं, MicroSD कार्ड लगा सकते हैं, UFS इसके अंदर रखा गया है, और जो RAM रखा गया है LPDDR4X, इसमें LPDDR4X का इस्तेमाल किया गया है, LPDDR4 भी आता है, और CPU जो यूज किया गया है MT6873, यहाँ पे इसमें CPU दिया गया है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम आपको रीड करने आना चाहिए, ऐसे Qualcomm में भी बहुत सारे आपको डायग्राम्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो इस तरह की लाइनें मिलेंगी आपको, सप्लायर मिलेंगे, कौन सा आईसी क्या है, कैसे रीड करना है, कैसे आपको समझना है, यहाँ पे इतने सारे आईसियां मिलेंगे आपको। पावर एसी के पास अगर आप देखोगे तो आपको क्रिस्टल मिलेगा, तो इसको भी आपको रीड करने आना है, यहाँ पे डायग्राम में जाना है और चेक करना है आपको कि पावर एसी, ये देख सकते हैं SMPS सेक्शन है, जहां पे आपको
वी कोर की सप्लाई, प्रोसेसर की सप्लाई, और यहाँ पे आप देखोगे वीपीए यहाँ पे यूज नहीं किया, तो एक्सटर्नल वीपीए इसमें लगाया जाएगा। VS1 की सप्लाई जो कि हमारा लोअर एलडीओ यहीं से बनेगा, VS2 जो है हमारा हायर एलडीओ यहीं से बनेगा। इसके अलावा जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के लिए भी सप्लाई यहीं से बनाई जाएगी। तो एक एक आईसीओ के पास आपको बड़े बड़े ऐसे कॉयल मिलेंगे, इसको रीड करना है, देखना है। ये होता है हमारा एलडीओ सेक्शन, इसमें देखोगे आप पूरे एलडीओ के लिए सप्लाई दी जाती है, और इनपुट में जो होती है हमारी लोअर एलडीओ हायर एलडीओ आती है, और वीपीएस सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा कंट्रोल सेक्शन है, रीसेट वगैरह, और इसके अलावा सेंसिंग सेक्शन है, और जो कंट्रोलिंग सेक्शन है सारा यहीं पर रखा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल का भी सप्लाई आगे जाकर के मिल जाएगा, क्लॉक सप्लाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिस्टल, देख सकते हैं Y4400। तो ये हमारा 26 MHz का क्रिस्टल मीडियाटेक में होता है, जो कि हमारा ऑक्स डीसी भी बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं क्रिस्टल X2 X3। तो ये हमारे RF की सप्लाई यहाँ से आउट होती है, RF क्लॉक वगैरह। तो ये सारी चीज आपको सीखना है अगर अच्छे से, आपको देख सकते हैं PMIC क्लॉक, RF क्लॉक, WCN Wi-Fi क्लॉक, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्लॉक, PMIC क्लॉक एक्सटर्नल। तो ये सारे यहाँ से आउट होते हैं, क्रिस्टल की सप्लाई पावर IC से ही आउट हो रही है। उसके लिए एक IC का इस्तेमाल किया गया है U4000 जो IC है, आपको देखना है कहाँ लग के है। तो ये तो हमारी पावर IC है, तो इसके अंदर 6 नंबर जो ब्लॉग है उसके अंदर से सारा का सारा क्रिस्टल का सप्लाई बाहर निकल रहा है। तो ये हमारी अगर देखेंगे, ये पूरा सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, तो ये आप चले जाओगे वाईफाई IC के पास। ये देख सकते हैं यहाँ से एक बीच में 0 ohms का रजिस्टर दे करके यहाँ पे IC के पास चले गए। MT6631 जो है इसमें एक IC रखी गई है जो कि हमारी वाईफाई IC है। तो ये सारी चीज है, अगर आपको अच्छे से सीखना है एक प्रॉपर वे में, अगर आपको एंड्रॉइड का काम सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। छोटे छोटे से सॉल्यूशंस के साथ हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपके साथ नेक्स्ट बैच 27 अप्रैल से, जहां पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। जीरो लेवल से आपको कंपोनेंट पहले पढ़ाए जाते हैं, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करना है, एक ऑन मोबाइल में CPU निकाल के कैसे डालना है, पावर कैसे डालनी है, MMC कैसे रिवॉल्व करनी है, सारी चीज यहाँ पे बताई जाती है। जितने भी सेक्शन है, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 घंटा क्लास है, दोबारा और एक बार भी ज्वाइन कर सकते हैं 3 महीने बाद। तो अगर आपको सीखना है मोबाइल का काम, अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, काम वापस जा रहा है, खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार जरूर फोन फिक्स हैदराबाद से कांटेक्ट करें। अगर आना है तो आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमारा डेली लाइव क्लास फेसबुक और यूट्यूब पे देखने मिलेगा आपको, जाकर के देखिए स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो सारी चीज ओपन होती है। देखिए अच्छा लगा हमारा इंस्टीट्यूट, अच्छा लगा सिखाने का तरीका, अगर स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा लगा तो ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे। थैंक यू वेरी मच।